नमस्कार दोस्तों, बैट एंड बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के अगले 10 टेस्ट मैचों के बारे में लेटेस्ट अपडेट, और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ आपको क्रिकेट और स्पोर्ट से जुड़े सारे अपडेट मिलते हैं। द बिग फोर टीम इंडिया के पास 10 महत्वपूर्ण टेस्ट मैच आने वाले हैं और 4 खिलाड़ी इनमें शामिल हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन। ये सुपरस्टार टीम के रीढ़ होगी। सिलेक्शन मुकाबला 15 स्थान उपलब्ध होने के साथ 11 खिलाड़ियों को अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये एक भयंकर लड़ाई होने जा रही है और टीम में कुछ अमेजिंग नाम हो सकते हैं। दिलीप ट्रॉफी ड्रामा 5 सितंबर से शुरू होने वाली दिलीप ट्रॉफी सिलेक्शन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह अच्छा प्रदर्शन करने और आप खुद को टेस्ट टीम में पा सकते हैं, यहाँ तक कि सेलेक्टर भी स्टैंड से देख रहे होंगे। आराम किया लेकिन तैयार। बिग फोर को दिलीप ट्रॉफी से छुट्टी मिल गई है, लेकिन वो टेस्ट मैचों में वापसी करेंगे और भारत को विश्व चैंपियनशिप टेस्ट WTC के फाइनल में पहुंचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। WTC पॉइंट रेस, भारत वर्तमान में 68.52% के साथ WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। ये आगामी मैच महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ये निर्धारित करते हैं कि भारत फाइनल में पहुंचेगा या नहीं। आगे का बिजी शेड्यूल, श्रीलंका के दौरे के बाद टीम इंडिया बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी, जिससे केवल 5 महीनों में 10 टेस्ट, 8 T20 और 3 वनडे शामिल हैं। कप्तानी की चुनौतियां, दिलीप ट्रॉफी में शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ आगे आगे टीमों की अगुवाई करेंगे। ऐसे में सभी की नजरें उनके लीडरशिप कौशल और परफॉर्मेंस पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय एक्शन की शुरुआत बांग्लादेश की टीम के भारत दौरे से होगी, जो 2 टेस्ट और 3 T20 मैच खेलेगी। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ एक हाईटेक सीरीज और ऑस्ट्रेलिया का चुनौतीपूर्ण दौरा होगा। ये अपडेट भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए कुछ महीने रोमांच होने का दावा करते हैं, क्योंकि टीम कड़ी कंपटीशन और हाई स्टेक से भरे बिजी सेशन के लिए तैयार है। गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।